Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारी ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे स्टार्ट किया है. ठीक है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. हमारे अर्थ का मतलब सोलर सिस्टम में क्या रोल है या सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ कहाँ पर है. ठीक है, हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था. ठीक है, यूनिवर्स क्या होता है, स्टार्स क्या होते हैं, हम लोग यूनिवर्स में कहाँ हैं, मतलब हम लोग भी यूनिवर्स के क्या हैं, एक पार्ट हैं. फिर उसके बाद तारों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्की वे, गैलेक्सी. ठीक है, उसके बाद सन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ प्लैनेट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, हम लोगों ने अर्थ के बारे में पढ़ा था. ठीक है, अर्थ के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था. आज हम इसके सैटेलाइट यानी कि मून के बारे में बात करेंगे और आगे भी देखते हैं क्या है. ठीक है, तो ये कहता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एक अर्थ है सिर्फ उसी के ऊपर जीवन संभव है, क्योंकि ये हमें ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाती है जो सभी जीवों के जीने के लिए इम्पोर्टेंट है और बाकी सब प्लैनेट्स पे ही वो सब संभव नहीं है. ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा था. उसके बाद ये कहता है, ए सैटेलाइट इज़ ए कैलेस्टाइल बॉडी. कैलेस्टाइल क्या होता है, खगोलीय, यानी कि आकाश में ही एक क्या है, बॉडी है, दैट मूव्स अराउंड ए प्लैनेट इन सेम वे एज प्लैनेट मूव अराउंड द सन. ये कहता है, एक सैटेलाइट वो चीज़ होती है, एक ऐसी खगोलीय पिंड होते हैं जो कि क्या है, एक प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं, जैसे हमारे प्लैनेट्स सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, यानी कि उसके अराउंड. जैसे देखें, जैसे कि हमारा ये मान लो सूर्य है. ठीक है, कोई भी प्लैनेट है वो क्या है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है. ठीक है, यानी कि वो इस मान लो ये प्लैनेट है वो क्या है, धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या है, चक्कर लगाता है. ठीक है, ऐसे ही क्या है, यहाँ पर क्या है, एक क्या है, उपग्रह है, सैटेलाइट है जो इसके अराउंड क्या है, चक्कर लगाता है. आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि सैटेलाइट क्या होते हैं, जो प्लैनेट्स के अराउंड क्या है, राउंड लगाते हैं, जैसे कि क्या है, हमारे प्लैनेट सूर्य के अराउंड राउंड लगाते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो रोटेट ऑन इट देयर ओन एक्सिस. और ये कहता है कि जो सैटेलाइट है वो अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, मतलब जैसे आप बॉल को देखते हो. ठीक है, बॉल को अगर आप ऐसे गोल घुमाओ, जैसे कि फर्श पर रखकर आप उसको ऐसे घुमाओ, रोटेट करो, तो अपने एक्सिस पे घूमती है. ठीक है, तो ये कहता है कि वो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर तो लगाते ही हैं और खुद ब खुद क्या है, अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर क्या है, वो घूमते हैं. ठीक है, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. उनकी अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता, उनका मतलब अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता. दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन एंड अपीयर एज ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. ये कहता है कि वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और रात को किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट यानी कि चमकदार वस्तु की तरह दिखाई देते हैं. ठीक है, इन द सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल में मर्करी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट. यानी कि मर्करी और वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कि कोई भी उपग्रह है उनके अराउंड कोई भी चक्कर नहीं लगाता. ठीक है, द मून. अब हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, जो कि प्राकृतिक रूप से अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है. हाँ जी, इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ. हाँ जी, ये इसका डायमीटर जो है वो हमारे पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 हिस्सा है. ठीक है, डायमीटर तो आपको जिस समझ आया होगा क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये होता है. ठीक है, ये कहता है जो इसका डायमीटर है बीच में वो हमारी पृथ्वी के सिर्फ 1/4 है. ठीक है, तो ये कहता है कि इसका डायमीटर हमारी पृथ्वी के 1/4 है. इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू अस, इन फैक्ट इट इज़ आवर नियरेस्ट कैलेस्टाइल बॉडी. ये कहता है कि हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारी पृथ्वी के बहुत नज़दीक है. इनफैक्ट जितने भी खगोलीय पिंड हैं सबसे नज़दीक हमारा चंद्रमा ही पृथ्वी के है. इट इज़ अबाउट 384,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ये लगभग 384,000 किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से. वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून. हम सिर्फ चंद्रमा की एक ही साइड को देख सकते हैं. बिकॉज इट टेक्स सम अमाउंट ऑफ टाइम टू कम्प्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. क्योंकि यह क्या है, बहुत टाइम लेता है, मतलब कुछ टाइम लेता है कि वो अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर क्या है, एक राउंड ले. हाँ जी, अगर आप बॉल को देखोगे तो आप बॉल के चारों तरफ तो एक साथ नहीं देख सकते हैं, राइट. हम बॉल का सिर्फ एक ही हिस्सा देख सकते हैं जो हमारी आंखों के सामने है. ठीक है, ऐसे ही चंद्रमा गोल है, हम उसका वही हिस्सा हम देख सकते हैं जो कि क्या है, पृथ्वी के तरफ है. दूसरा हिस्सा जो पृथ्वी की तरफ नहीं है उसको हम कैसे देख पाएंगे. ठीक है, एंड रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. हाँ जी, वो सिर्फ हम उस हिस्से को देख सकते हैं जो कि क्या है, पृथ्वी की तरफ दिखाई दे रहा है और चक्कर लगा रहा है. मून टेक्स 27 डेज टू मूव अराउंड द सन. चंद्रमा को लगभग 27 दिन लग जाते हैं हमारे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में. देयर इज़ नो एटमोसफियर इन द मून. पृथ्वी पर कोई भी वातावरण नहीं है. सो देयर इज़ अ बिग वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर. इसी कारण क्या है, वहाँ पर रात और दिन में जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है. द सनलाइट डायरेक्टली फॉल्स ऑन द मून. जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो मून के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है. सो द डे टेम्परेचर पोजिशंस
सॉरी सो द डे टेम्परेचर इज अराउंड 127 डिग्री सेल्सियस एंड द नाइट टेम्परेचर इज माइनस 173 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, आप सोच सकते हैं वहाँ पर क्या है, सूर्य की रोशनी जब दिन में पड़ती है तब तो वहाँ का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कितनी ज़्यादा गर्मी होती होगी, लेकिन जो रात का टेम्परेचर है क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता तो वहाँ पर 173 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कितनी ठंड होती है वहाँ पर रात के समय। ठीक है, इट हैज़ नो क्लाउड, यहाँ पर कोई बादल नहीं है, नो एटमोसफियर, कोई भी क्या है पर्यावरण नहीं है, वातावरण नहीं है, नो रेन, कोई बारिश नहीं है, नो वाटर, कोई पानी नहीं है, नो एयर, ना कोई हवा है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज 1/5 दैट ऑफ द अर्थ। वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अपने आप के ऊपर, मतलब वहाँ पर जो ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के मुकाबले 1/5 है। ठीक है, द पर्सन हु वेट्स 100 किलोग्राम विल वेट ओनली 20 किलोग्राम ऑन द मून। जिसका वेट, हाँ जी, जिसका पृथ्वी पर वेट, हमारी पृथ्वी पर जिस पर्सन का वेट 100 किलोग्राम होगा, अगर वो चंद्रमा पर जाए तो उसका वेट अगर हम मेज़र करें तो वो सिर्फ कितना होगा, 20 किलोग्राम, यानी कि सिर्फ 20 किलो। द फर्स्ट मैन टू रीच द मून एंड टू वॉक ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कहता है जो व्यक्ति सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचा था और जिसने क्या है चंद्रमा पर पहली वॉक की थी, यानी कि चला था, वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ही सेट हिज लेफ्ट फुट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून एट 10:56 PM यूरोपियन डे टाइम। ये कहता है कि उन्होंने अपना सबसे पहले लेफ्ट फुट क्या है, लेफ्ट पाँव सरफेस पे रखा था मून के, जो कि क्या है सुबह रात के 10:56 के टाइम था। ठीक है, ओनली ऑन जुलाई, सॉरी यूरोपियन डे टाइम, जो कि क्या यूरोप के टाइम के अकॉर्डिंग था, ऑन जुलाई 29, 1969, यानी कि 20 जुलाई को 1969 को उन्होंने वो वहाँ पर पहला कदम रखा था एट 2:56 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 2:56 सुबह उन्होंने क्या है अपना पाँव चंद्रमा के ऊपर रखा था ऑन जुलाई 21, 1969, 21 जुलाई 1969 के अकॉर्डिंग। हाँ जी, ये कहता है कि अगर हम यूरोपियन टाइम के अकॉर्डिंग देखें तब तो उन्होंने क्या है 10:56 पर अपना पाँव रखा था। ठीक है, और वहीं पर इंडियन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग के टाइम वो क्या है 2:56 सुबह के टाइम उन्होंने अपना पाँव वहाँ पर रखा था। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, जो चंद्रमा है उसके ऊपर अपनी लाइट नहीं है, इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, वो क्या है चंद्रमा के प्रकाश से चमकता है। वाइल मूविंग अराउंड द सन, जब वो क्या है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, द मून अपीयर्स इन डिफरेंट शेप साइज एंड पोजिशन, जो मून है वो अलग अलग साइज में, शेप में और पोजीशन में दिखाई देता है। देखिए, पहले वो इतना दिखाई देता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर हाफ मून दिखाई देता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो उसकी अलग अलग शेप हम क्या है देख पाते हैं। दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, इन्हें क्या है फेज बोलते हैं चंद्रमा का। वी कैन सी फुल मून वंस इन ए मंथ, हम केवल एक बार ही पूरे महीने में एक बार केवल इसका पूरा, मतलब एक पूरे मून को देख सकते हैं। दिस पोजिशन ऑफ द मून इज़ नोन एज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जिसको हम क्या है पूर्णिमा भी बोलते हैं। जो आपने सुना होगा पूर्णिमा आती है महीने में एक बार, ठीक है, तो वो रात होती है जब क्या है हम चंद्रमा को पूरा देख सकते हैं। यू कैन नॉट सी द मून एट फोर्थ नाइट लेटर ऑफ पूर्णिमा, आप पूर्णिमा के 15 दिन के बाद चंद्रमा को नहीं देख सकते। इट इज़ कॉल्ड न्यू मून, जिसको नया मून नाइट और या अमावस्या भी कहते हैं। जो आप लोगों ने सुना होगा अमावस्या आती है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हाँ जी, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, जो क्या है कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम का मतलब क्या है, जो ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाए हैं। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल सैटेलाइट, ये कहता है कि प्राकृतिक सैटेलाइट से अलग दे आर मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑल्सो, कुछ क्या है मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, मतलब जो मनुष्य ने खुद बनाए हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मैन मेड मशीन दैट कंटिन्यूसली रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट, क्या है एक कृत्रिम उपग्रह क्या होता है जो कि मनुष्य ने खुद बनाया है और जो क्या है पृथ्वी के चारों तरफ या किसी और प्लैनेट के चारों तरफ क्या है चक्कर लगाता है। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर दोज मैन मेड ऑब्जेक्ट विच हैव बीन प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, ये कहता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो ह्यूमन बींग ने बनाकर उनको प्लेस किया है, उनकी स्थापना की है या फिर उनको पहुँचाया है कहाँ पर ऑर्बिट्स के ऊपर किसी भी प्लैनेट के। स्पुतनिक फर्स्ट वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन इन 1957 में, सबसे पहले सोवियत यूनियन ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था, ठीक है, जिसका नाम था स्पुतनिक। ठीक है, सिंस टेन देन थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च इनटू द ऑर्बिट अराउंड द सन, और उसके बाद हज़ारों की संख्या में जो सैटेलाइट्स हैं वो हम क्या है भेज चुके हैं अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर, मतलब पृथ्वी के बहुत सारे सैटेलाइट्स हम क्या है भेज चुके हैं। आर्यभट्ट,
भास्करा, ठीक है, रोहिणी फर्स्ट एंड सेकंड, इनसेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिया बनाकर भेज चुका है। दीज सैटेलाइट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये बहुत अलग अलग तरीके से हैं, दे आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस, इनको अलग अलग पर्पस के लिए भेजा गया है। कॉमन टाइप्स ऑफ इंक्लूड मिलिट्री सिविलियन, ये कहता है कुछ इनमें से जो कॉमन पर्पस हैं इनको भेजने के उद्देश्य हैं वो क्या है, मिलिट्री पर्पस से, सैनिक पर्पस से, सिविलियन क्या है असैनिक पर्पस से, एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और क्या है हमारी पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन के लिए हमने बहुत सारी सैटेलाइट्स क्या है भेजी हुई हैं। Presently, education satellite are being launched to promote education. आजकल क्या है, हम लोगों ने हमारी education को promote करने के लिए education से related भी satellites को भेज चुके हैं। जी अब आप लोग देख रहे होंगे कितनी सारी ऐप आ चुकी हैं, ठीक है, जिससे आप क्या education ले सकते हो, ठीक है। तो ये किसके किसके कारण पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि हो सका है क्योंकि हमने education satellites क्या हैं वो भी भेज चुके हैं, ठीक है। Mars, Mars, हाँ जी, ये भी क्या है, एक planet है, it is called red planet, इसको क्या है लाल planet भी कहते हैं, because it assumes a brick-like color in the night sky, क्योंकि रात को क्या है है, एक ईंट की तरह कलर का दिखाई देता है। इट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन वन डे, वो है अपनी धुरी पर क्या है एक दिन में घूमता है। इट टेक्स 687 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन क्या होता है चक्कर, और उसको 687 दिन लगते हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में। इट हैज टू सैटेलाइट डिमोस एंड फोबोस, उसके दो सैटेलाइट हैं क्या है डिमोस और फोबोस, ठीक है। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यह है सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट कम्प्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन 9 आवर, यह अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर 9 घंटे में घूमता है, 9 घंटे और 56 मिनट में घूमता है। इट कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 12 ईयर, और यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है 12 साल। इट हैज 67 सैटेलाइट्स, इसके 67 सैटेलाइट्स हैं जिसमें से 53 कन्फर्म्ड हैं, 53 और 14 क्या है अभी कन्फर्म नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सैटर्न, सैटर्न क्या है, इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये क्या है दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट कम्प्लीट्स वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स, यह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में मतलब अपने आप में ही घूमने में 10 घंटे और 40 मिनट लेता है। इट टेक्स अबाउट 29 ईयर्स एंड 5 मंथ टू कम्प्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, और सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 29 साल और 5 महीने लग जाते हैं। इट हैज़ अबाउट 62 सैटेलाइट्स, इसके केवल लगभग 62 सैटेलाइट्स हैं जिसमें से 53 तो कंफर्म हो चुके हैं और 9 अभी भी कंफर्म नहीं हुए हैं, ठीक है। इट हैज स्पेक्टुलर रिंग्स, इसके क्या है शानदार रिंग्स हैं जी, देखिए कितने सुंदर रिंग्स इसके आसपास बने हुए हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ आइस, जो कि क्या बर्फ से बने हुए हैं, एंड आइस कवर डस्ट पार्टिकल, और उस आइस को किसने मतलब किसने कवर कर रखा है, डस्ट ने कवर कर रखा है। जस्ट होप आपको ये लेसन समझ आया होगा कि जो मून है वो क्या है पृथ्वी का सैटेलाइट है, जो कि क्या है सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लेने में लगभग एक महीना लगाता है, ठीक है। और इस तरीके से हमने काफ़ी सारे सैटेलाइट्स क्या हैं छोड़े हुए हैं, जो पृथ्वी के भी सैटेलाइट्स हैं उनमें से कुछ, ठीक है। फिर हमने मार्स के बारे में पढ़ा, जुपिटर के बारे में, सैटर्न के बारे में। जस्ट होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सेफ।